आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के एक दर्जन से अधिक दिव्यांग जन सीडीओ से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे और उनकी समस्याएं गिनाईं। यहां सीडीओ के निर्देश पर अधिकारियों ने समस्याओं को सुनकर निस्तारण करने की बात कही। आपको बता दें कि सीडीओ ऑफिस अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे दिव्यांग जनों में नीरज, इसाक, शिव कुमार, नीलम, मीरा, लालाराम समेत अन्य ने अपनी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों को अवगत करवाया। दिव्यांगजनों का कहना है कि उनको शौचालय, आवास, राशन कार्ड और पेंशन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर परियोजना निदेशक गजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि सीडीओ के निर्देश के क्रम में अधिकारियों को बुलाकर दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। बाबू जी आए हैं, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। विकलांग आदमी घिस ले हम भी चल नहीं पा रहे हैं। 80% विकलांग होता हूँ मैं और आदमपुर से आया हूँ। मेरी सूची में नाम था और मैं पैसे ले थे 25,000, कोई कोई लोग ने पैसे दे दिए, उनका बन गया और मेरा नहीं कुछ बना है। मेरी जांच भी हो गई थी, कभी कुछ नहीं, पैसे बिना कुछ नहीं हुआ। आज कहाँ आए? आज विकास भवन में। क्या नाम है? अखिल कुमार नाम मेरा है, पिता का नाम श्रीपाल। जो है दिव्यांगों की समस्या लेकर मुख्य विकास अधिकारी जी के पास आए हुए हैं। दिव्यांगों की समस्या ये है, जो दिव्यांग हैं शौचालय जा नहीं पाते हैं, उनके घर में शौचालय बना हुआ नहीं, बाहर जाते हैं, उनको एक लोग उठा के बैठाते हैं। उस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है और दिव्यांगों की आवास वगैरह की जो है नहीं, जिन लोगों के बने हैं उनको खुलवाने के लिए हम लोग ज्ञापन दिया है, जिससे उन लोगों को दिव्यांगों को लाभ मिल सके। ये आवास नहीं मिले हैं, ना शौचालय मिले हैं और उनको अंत्योदय कार्ड जो पात्र हैं उनको नहीं मिल रहा है, जो अपात्र हैं उनको दिया जा रहा है और विकलांग भटक रहे हैं और सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ भी नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, और क्योंकि काउंटर पर दवाई लेने जाओ तो वो देख नहीं पाता है, जिस कारण दिव्यांग को दवाई नहीं मिल पा रही है। अभी मैं एक्सरे कराने गया था तो 3-4 दिन से दौड़ रहा हूँ पर एक्सरे नहीं हो पाया, और पर्चा जमा कर दिया तो कहते 1 घंटे बाद आओ, लाइन में लग गया। तब जाकर शैलेश और संगी लोगों को बुलाया तब मैं एक्सरे करा पाया। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। सर, ये कौन लोग आपसे मिले थे अभी, क्या इनकी समस्या थी? आज जो है वो कुछ हरदोई जनपद से करीब 15-16 विकलांग अपनी अपनी समस्याओं के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी महोदय से जनता दर्शन के क्रम में 10 से 12 के बीच में जो मुख्य विकास अधिकारी महोदय प्रतिदिन सुनती है उसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पास ये विकलांग लोग आए, दिव्यांगजन आए थे और इनकी कई मांगे थी, जैसे शौचालय या कतिपय कारणों से एक दो के राशन कार्ड नहीं है, या 3 ऐसे थे जो कि पेंशन उनका अभी बनना है, पेंशन का सर्टिफिकेट हम लोगों ने कैंप वगैरह लगा के सर्टिफिकेट बन गया है तो पेंशन में आगे प्रोसीड करना है। इसी तरह से कुछ लोगों का आवास की मांग थी, तो ये मुख्य विकास अधिकारी महोदया के निर्देश के क्रम में उनके सभी संबंधित विभाग के अधिकारी बुलाकर, जैसे दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी, उनके वो जो 3 लोग हैं जिनको कि सर्टिफिकेट अब बन गया है, पेंशन ऑनलाइन किए हुए हैं या उनको हेल्प करके ऑनलाइन करा के और उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से DPRO साहब ने सबके नोट कर लिए हैं और अपने पंचायत सहायकों के माध्यम से उनको शौचालय का ऑनलाइन करा के सुविधाएँ दिलाई जाएंगी, और आवास से संबंधित कुछ दिव्यांगजन का कहना था कि हम पक्के भाई के मकान में पक्के में रह रहे थे, इस आधार पर हमें कंसीडर नहीं किया गया है, और ये आरोप लगा रहे थे कि प्रधान और संबंधित कर्मचारी के द्वारा जो है वो सही रूप से विश्लेषण नहीं किया गया है। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा उनको सूचीबद्ध किया गया कि उच्च स्तर से उनकी स्थिति का पुनः एक बार हम लोग परीक्षण करा लेंगे और नियम सम्मत जो भी है वो आगे की कार्रवाई करेंगे।